पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों को लेकर के सन 2017 से एक आंदोलन चलाया हुआ है, और ये आंदोलन हमने चलाया उत्तर प्रदेश निर्माण संगठन के माध्यम से। उसके बाद जब हमने महसूस किया कि जागरण हमारा जनजागरण का कार्य पूर्ण हो गया है, तो हमने सोचा कि इसमें एक राजनीतिक पार्टी बना दी जाए, ताकि अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचा करके और सरकार तक पहुंचा करके हम अलग राज्य का गठन करने में सफल हों। क्योंकि बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के या बिना उस आंदोलन के चले कोई भी सरकार इस कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। शुरू में भाजपा का एजेंडा था कि हम छोटे प्रदेश से हिमायती हैं। उसके बाद लंबे समय से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, फिर भी इस मांग को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। हमारा बार बार सरकार से यही आग्रह रहेगा अपने आंदोलन के माध्यम से कि हम 21 जिलों के 8 करोड़ जनता को उनका हक दिलाने के लिए अलग राज्य का गठन करा पाएँ। आने वाले समय में हमारी पार्टी नवंबर में जो नगर निकाय नगर पालिकाओं के चुनाव होने वाले हैं उसमें अपने उम्मीदवार उतारेगी, 2024 में लोकसभा में भी उतारेगी और 2027 में विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। क्या क्या लक्ष्य रहेगा? लक्ष्य हमारा रहेगा, एक तो हमारे जो किसान भाई हैं, अगर हमारी भविष्य में कोई सरकार वगैरह बनती है तो उनको उनकी फसलों का वाजिब दाम दिलवाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई एम्स नहीं है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 2 एम्स हैं, लेकिन यहाँ एक भी एम्स नहीं है। 30 मेडिकल कॉलेज में से मात्र 3 पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं। इसके चलते यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव है, जिसके लिए मरीजों को महंगी चिकित्सा के लिए प्राइवेट चिकित्सालयों का सहारा लेना पड़ता है। विश्व का सबसे महंगा न्याय हाईकोर्ट इलाहाबाद की दूरी 800 किलोमीटर होने की वजह से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलता है। तो हम जब हमारा अलग प्रदेश होगा तो हमारा हाईकोर्ट भी अपना होगा, अपने सरकारी ऑफिस होंगे, रोजगार के साधन भी ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध होंगे। अभी योगी जी ने 2 भवन बनाए नोएडा में, एक का नाम दिया उत्तरांचल भवन, एक का पूर्वांचल भवन, जबकि जमीन पश्चिमांचल की, क्या उनको एक भवन नहीं मिलना चाहिए था? इसी प्रकार जो भी योजनाएं गवर्नमेंट चलाती है सारी योजनाओं को पूर्व में ले जाती है, पश्चिम के विकास की तरफ ध्यान नहीं देती। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे और अपनी मांग उठाएंगे। क्या